Post-Graduate College of Nursing Hyderabad Phase 5 is Subah Khyber Pakhtunkhwa ka Wahid Nursing College. Taleem Johari Zindagi hai. Taleem insaan ko muhazzab shaista banati hai. Taleem se insani qadron ko parwan chadhane mein madad milti hai. Taleem ke zariye qaum uruj aur iltiqa ke manazir tay karti hai. और नए नए कारनामे अंजाम देती है। हर वालदैन की दिली ख्वाहिश और बेपनाह चाहत होती है कि इसका बच्चा कामयाबी और कामरानी की औजे सरैया तक पहुंचे और हर जगह इसकी कामयाबी का चर्चा, और अगर वो कामयाबी दूसरों की भलाई और खदमत में हो तो वालदैन की दिली मुरादें पूरी होती, और ऐसे मकाम तक पहुंचने के लिए अच्छे से अच्छा तालीमी सहूलत से आरास्ता इदारे की तरफ रुजू करते हैं, जहां वो मेयारी प्रोफेशनल तालीम और तरबियत से आरास्ता और पेरास्ता होकर मैदान अमल और दूसरों की खिदमत में आगे आ सके। इस मेयार का तालीम हासिल करने के लिए 1999 में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग का क्याम अमल में आया। यह अंतर जद्दोजहद और आला खिदमत की विजन के साथ मसीहा पैदा कर रहा है, ताकि ये मसीहा अपनी ट्रेनिंग बेहतर अंदाज में हासिल करने के बाद मुआशरे के लोगों की दिलो जान से खिदमत कर सके और खुदा के बंदों का बंदा होकर अजीम मिसाल कायम कर सके और खुदावंद ताला का रिजा हासिल कर सके। ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग कॉलेज जो है, ये सूबे का वाहिद नर्सिंग कॉलेज है जिसमें उसारन और जेनेरिक की डिग्री दी जाती है और स्पेशलिटी दी जाती है। ये कॉलेज जो है वो 1988 में शुरू हुआ और पहल पहल जो है वो बिल्डिंग जो है हम लोगों ने KTH के नर्सिंग स्कूल में शुरू किए हैं ये प्रोग्राम। उस वक्त जो है वो वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन और टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिर्फ यही डिप्लोमा अवार्ड करती थी और टोटल जो है वो हमारे पास 20 सीट थी। फिर इसके बाद 1993 में स्पेशलिटी जो है वो शुरू हुई और इसके लिए हमारे टीचर जो हैं शेख यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से बाकायदा ट्रेनिंग करके आई थी। ICU और ICU सबसे पहले शुरू हुई और उसके बाद 13 स्पेशलिटीज जो हैं वो यहाँ पे डिप्लोमाज अवार्ड कर रहे थे। फिर 2009 में यहाँ पे पोस्ट आरएन BSc और जेनेरिक BSc 4 साल की शुरू हुई। फिर 2013 में जो है और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन टीचिंग ख़त्म हो गई और डिग्री प्रोग्राम जो है वो जारी रहा और इसके साथ साथ स्पेशलिटी भी जारी रही। अब आजकल यहाँ पे 3 प्रोग्राम चलते हैं, एक पोस्ट आरएन BSc नर्सिंग और जेनेरिक BSc नर्सिंग और इसके साथ स्पेशलिटीज जो हैं वो भी जारी हैं। अब हमारा आइंदा का जो विजन है वो ये है कि यहाँ पे MSc नर्सिंग जो है वो भी शुरू कराई जाए। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें फर्दर एजुकेशन के लिए हमारे टीचर्स को दूसरे नर्सिंग को PhD के लिए, इसके साथ साथ हमारे जेनेरिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, जबकि दूसरे नर्सिंग स्कूल्स में स्टूडेंट्स को जो है वो 20,000 महाना मिलता है। तो इसके लिए भी ये अपील है कि वो यहाँ पर शुरू किया जाए।
इस कॉलेज के अंदर बेहतरीन स्किल लैब मौजूद है, जहाँ काबिल लेक्चरर्स की जेर निगरानी मरीजों के साथ डीलिंग के तरीके सिखाए जाते हैं, जिसमें इमरजेंसी पेशेंट रिसीव करना, बेहोश मरीजों को पोजीशन देना और केयर करना, BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट, छोटे और बड़ों के ऊपर CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसस्टेशन शामिल है, डमीज के ऊपर आयु कैनुलेशन की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर बेहतरीन लाइब्रेरी मौजूद है, जहां हर सब्जेक्ट की न्यू एडिशन बुक्स दस्तियाब हैं। यहां पर मेडिकल किताबों के अलावा हदीस मुबारक भी मुताले के लिए मौजूद है। मेरा अपने स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए और सारे स्टाफ के लिए, बल्कि जितने भी हैं इस प्रोफेशन में आने वाले हैं, तो उनके लिए एक तो ये मैसेज है कि ऑनेस्ट हो, रेगुलर हो और पंक्चुअल हो। अगर ये तीन चीज़ें होंगी तो ये प्रोफेशन और ये खुद हमारे अफराद जो हैं वो करेंगे।